चेक कर जीटी आउट, क्या मस्त लग रही है गाइस। ये चेक करो जीटी की नई मॉडिफिकेशन। 1 तारीख को हम लोग साइबर 2 रिलीज कर रहे हैं। चलो आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया था, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रहा था भाई। चलो वेलकम टू प्रोसेना। बट यार चेक दिस आउट, क्या सेक्सी लग रही है। पहली बार ही ना अपने सब्सक्राइबर से बात करके बहुत अच्छा सा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन कराएं या फिर ये ऐसी सिंपल अच्छी लग रही है। कितने सही लग रहे हैं टैटू भाई। So, hey guys, good evening, welcome back to the new episode, guys. इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम घर गाइज। और आज मैं इतना खुश हूं ना, लास्ट वाले व्लॉग में ना मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी थी गाइज, और मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास 1.5 लाख ऑर्डर्स थे टोटल। बट गाइज आप लोगों को पता है हम लोगों ने केवल 1000 लोग सेलेक्ट करने थे, तो जो रीसेंट 1000 लोगों ने गाइज वो सेलेक्ट हो चुके हैं। बट हम लोग ना ऑर्डर्स अभी बंद नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी को भी ब्रोसेना की मर्चेंडाइज चाहिए होगी ना गाइज, डिस्क्रिप्शन में जाकर के यू कैन एनीवेज बाय। जब आपका ऑर्डर चेकआउट होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, एंड जब आपकी पेमेंट और कन्फर्मेशन हो जाएगा उसके बाद गाइज हम लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं आपको ना गाइज एकदम रैंडम कॉल करके दिखा देता हूँ कि जो जो लोग ब्रोसेना में आए गाइज उनको क्या क्या पर्क्स मिल रहे हैं। ये एक रैंडम बंदा है गाइज पुणे महाराष्ट्र से, एंड इनका नाम देख लेते हैं गाइज, मेरे पास सारी डिटेल है पता है आपको। इनका नाम है गाइज मनीष। पहली बार इन्हें अपने सब्सक्राइबर से बात करके बहुत अच्छा सा लग रहा है। हेलो मनीष भाई, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू अनुराग भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया। आपका ऑर्डर फाइन? गोवा में बैठा हूं मैं तो अभी। आप गोवा में बैठे हैं अभी? जी। चलो आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया था, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रहा था भाई। थैंक यू। चलो वेलकम टू प्रोसेना भाई। अभी पूरा टाइम मतलब ये शिपमेंट में ना 1-1.5 महीना का टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा परेशान मत होना भाई, क्योंकि हम लोग ना खुद अपने एंड से हैंडल करें। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। चलो लव यू भाई, टेक केयर भाई, ठीक है? ओके। थैंक यू भाई। क्या इतने आज तक लोग ना मेरे को व्लॉग्स में दिखते रहे, बट आज मम्मी मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ ना फोन कॉल पे, इतनी खुशी मिल रही है ना। एंड हम लोग गाइज एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें ये सब लोग ऐड होंगे। फर्क नहीं पड़ता गाइज आप कहीं से भी हो, आपको ना बहुत सारी चीजों की एक्सेस मिलेगी, व्लॉग्स बनाने की 10 चीजों की, प्लस जब मैं आपके स्टेट में हूँ तो आप आ सकते हो। ये आइडिया कैसा था मम्मी, ये बताओ? बढ़िया था। मस्त था। और क्या बोलूं? अच्छा था ना। जिन लोगों से मैं बात नहीं कर सकता था आज मैं उन लोगों से बात कर पा रहा हूँ, बिकॉज जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया भाई वो लोग आज उनसे बात कर पा रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं मेरे पास। एंड द थिंग इज गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों ने मर्च ना बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे रखी है, बट जो क्वालिटी ऑफ द कपड़ा है ना जब वो आपके पास पहुंचेगी ना तो टैग करना, इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन भी करेंगे। बट आई एम सुपर हैप्पी, खुशी क्या बोलता है तू? गुलाबी दिल गाइस। एंड द थिंग इज गाइस आज से ना बहुत तबाही कंटेंट वापस आने वाला है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं गाइस, 1 तारीख को हम लोग साइबर 2 रिलीज कर रहे हैं, सो रियली एक्साइटेड। सारे शूट कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल मैं जब इंडिया में नहीं था ना, आप लोगों को पता है हमने अपनी जीटी दी थी गाइस मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसका मॉडिफिकेशन का काम 90% डन हो चुका है। एंड इस वाले ब्लॉग में ना लोग मेरी मॉडिफाइड जीटी देख करके ना पागल हो जाएंगे, बिकॉज जो थीम हम लोगों ने बनाई है वो एकदम खतरनाक है। सो बस गाइस अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ गाइस, बिकॉज ये वेबसाइट का काम ना बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। हमारे पास 1.5 लाख ऑर्डर्स थे गाइस, हम लोगों को प्रोसेस आउट करने में बहुत टाइम लग गया, प्लस कई लोगों की पेमेंट नहीं हो रही थी बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैफिक था। इंस्टाग्राम में एक ब्रोसेना का पेज बनाया था, वो इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया, सो बहुत मुश्किल सफर था, बट घर आ करके अच्छा सा लग रहा है गाइस। एंड द थिंग इज गाइस हर्ष हमारे साथ है, एंड वी हैव गॉट दुष्यंत भाई। और क्या हाल चाल? बढ़िया दुष्यंत भाई, अब हमारे साथ ही रहेंगे गाइस। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे घर में बाइक्स चेक करें आप, वो भाई इतनी सारी बाइक्स घर पर है। एंड हमारी H2 वहाँ पर है और हमारी BMW 310 भी वहाँ पर है। अभी BMW 1250 GSA नहीं है गाइस घर पे, एंड हम लोग आज उसको भी लेकर के आएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। बट आई एम रियली हैप्पी, घर में आकर के जो कॉन्टेंट बनता है ना वो खतरनाक है। सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, बस GT का मॉडिफिकेशन का काम रह गया। सो अभी हम लोग बस घर से निकल ही रहे गाइस। अच्छा क्या हाल चाल? बढ़िया। हेलो क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? बढ़िया क्या? बढ़िया एकदम बढ़िया। अच्छा आप क्या हाल है? कैसे? बढ़िया। क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? अच्छा तो फोटो करो। क्या मेरे से मिलने आओ? बढ़िया मिल लिया। कैसा लगा मिलके? बिरयानी है। तो यार हम ना घर से निकल ही रहते हैं, बट ये चेक करो गाइस, काली थार रेड थार। एंड मेरी थार के साथ ना एक दिक्कत हो गई है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब घर पहुंचा था ना तो मैं ना बहुत थका हुआ था, एंड मैं ना बैक कर रहा था गाइस, और ये चेक करो मैंने अपनी थार ना ऐसे ठोक दी। एक्चुअली ये वाला पार्ट ना, वो जो पोल दिख रहा है ना, मैं वहाँ से बैक कर रहा था इसे मोड़ने के लिए, और ये ना वहाँ लग गया। ये देखो भयंकर, ये पूरा टूट चुका है, ये भी पूरा सेक्शन टूट चुका है गाइस। और शुक्र है इसकी लाइट वीट बच गई, बट डैमेज ज़्यादा हुआ है। थार को ना किसी की नज़र लग गई गाइस, बट GT हमारी जो बनी है ना खत्म सीन्स, एंड इतना अच्छा लग रहा है ना वापस घर में आकर के।
हाँ भाई कैसा लग रहा है घर में आकर के आपका लौंडा घर आ गया? मैं तो घर में हूँ। इतने दिन कैसे बिता लिए मेरे बिना? अब तो आदत सी पड़ी है। अब तो आदत सी ऐसे जीने में। मेरे को भी याद नहीं आती गाइस। मेरे को भी नहीं आती। आते हैं दोनों का आते हैं हम लोग व्हाट्सएप। मम्मी ना गूगल मीट करती है, व्हाट्सएप नहीं करती गाइस, सीधा गूगल मीटिंग में बातें होती है हमारी। व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा भाई, रिप्लाई करना भी नहीं आता। फिर बोलेगी तूने मैसेज नहीं करा मेरे को, तूने मैसेज नहीं करा व्हाट। चल जाओ ये काम करो ना। मिलते हैं बाय बाय। भाई कौन से नशे कर रहा है, आंखें तो दिखा अपनी। भाई शादी से अब फुर्सत मिली है। हां भाई शादी तो हो गई भाई। यहां देखो भव्य क्या फूक रहा है तुम्हारा भाई। ये भव्य ही है, ये लड़की, ये लौंडा था हमारे साथ, हमने बुलाया तो लड़का था। हो गया अपनी आगे से। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्रेमनगर, फिर हमें नानी के घर भी जाना है अपनी। हाँ भाई आओगे तुम लोग ब्लॉग में, ठीक है? बाय 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 बाय। ये बच्चे इतने अच्छे होते हैं गाइस। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जाएंगे रोहिला भैया के पास, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग वहाँ से नानी के घर अपनी BMW उठाने के लिए। बट आज GT देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, जैसे ही वो मॉडिफाई होगी, बिकॉज आप लोगों को पता है राइड पे निकलना है इसके बाद। सो लेट्स गो। So guys, हम लोग घर से निकल चुके हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना आज थार में निकल के। तुम्हें याद तो नहीं आई थी मेरी? बहुत आई थी, तभी तो आ गया 28 तारीख से पहले पहले। हमारे साथ याद तो आपको आ रही है गाइस। ये देख रहे हो ये काम करने वाले लोग ऑर्डर्स लिख रहे हैं भाई पीछे, ऑर्डर्स भाई मजा आ रहा है ऑर्डर्स लिखने में। हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो और अच्छा भी लग रहा है, ब्रो से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग यार। गाइस जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं दे पा रहे ना, वो इंस्टाग्राम में जाकर के केवल भव्या हर्ष और प्रणा भैया को मैसेज करना। अगर आपको ऑफलाइन ऑर्डर देना है ये DM में आपके रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको ऑफलाइन ऑर्डर चाहिए गाइस तो ये ऑर्डर करके देंगे। हेलो हेलो कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। कहाँ घूम रहे हो? बस यहीं पे घर है ना। बढ़िया बढ़िया। चल खाना खाने चले तुम्हारे घर में? निकल तो कहते गाइस, बट आपको पता है ये भव्य का घर कितना दूर है हम लोगों को? ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुका गाड़ी में बैठ करके। तो मैं तो थक गया था गाइस, और इसीलिए दुष्यंत भाई गाड़ी चला रहे हैं और ये पीछे बैठ करके हिसाब कर रहे। हो गया सब? कुछ नहीं, डायरी खोल रहे, पहला पन्ना हिसाब फिलहाल। थिंग इज गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं भव्या के घर में, एंड एक दिक्कत हो गई GT के साथ। GT में काम हुआ गाइस, तो यू नो भैया और ने कोल्ड स्टार्ट नहीं करी होगी, तो उसकी बैटरी ना पूरी डेड हो चुकी है, एंड हम लोगों ने ना वो लड़के बुलाया गाइस जो बैटरी चार्ज करके देंगे। बट आई एम रियली एक्साइटेड, पहुंच गए गाइस हम लोग भव्या के घर। GT दिखाते हैं आपको गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो कोको, हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है बीबीज, कैसे हो आप, कैसे हो कोको? हेलो कोको, हेलो मेरी बीबी, कैसे हो आप? ओए ओए ओए, क्या हाल है, कैसे हो आप, कहाँ थे इतने दिन कोको, कहाँ थे आप, कहाँ थे कोको? हेलो गाइस, कोको कोको इतने दिन बाद मिल रहे हैं, बट कोको से तो मिल लिए। व्हाट, चेक दिस आउट भाई साहब, चेक दिस आउट, क्या मस्त लग रही है भाई ये चेक करो गाइस, भव्या ये क्या बना दिया है? ये चेक करो भाई गाइस, इतने दिन बाद मैं फाइनली GT में बैठा हूँ, बट इसकी बैटरी जो मैं पता लगा है वो अभी तक डेड है। आई रियली डोंट नो गाइस, ये स्टार्ट होती नहीं होती, नहीं हो रही भाई, खुल भी नहीं दिया भाई ये तो। उन लोगों ने जब काम करा ना तो खुली छोड़ी हुई थी। क्या खुली छोड़ी हुई थी? ये तो पूरी डेड हो गई भाई, ये तो पूरी डेड हो गया, खुली नहीं दिए। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके GT के पास, और GT ना स्टार्ट ही नहीं हो रही है भाई। तो अभी हम लोग क्रेटा की बैटरी से गाइस इसे स्टार्ट कर रहे हैं। बस आई होप गाइस कुछ हो ना हो भाई, फूके पके ना। एमरॉन की तो है बैटरी, उसमें भी यही होगी, अभी देखना तुम थोड़ी देर में। हां 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 भाई, बट यार चेक दिस आउट, क्या सेक्सी लग रही है भैया। कैसी लग रही है बताओ भैया? बहुत जबरदस्त, मस्त लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है भाई। इन लड़कों ने ना काम बहुत सही से करा है, और फिटिंग वुटिंग भी इन लड़कों ने ठीक कर दिया, वो तो अभी हर पता लगेगा। बट एक सीन और है गाइस, इसमें ना एक LED मिली है नीचे से, तो GT का ना LED निकल रखी थी। आई होप गाइस वो इसके चारों तरफ की सराउंडिंग LEDs हैं, मुझे पता नहीं था, मैंने जब खरीदी थी तो मुझे पता नहीं था इसके अंदर वो भी था। फिलहाल हम लोग क्रेटा की बैटरी निकाल रहे गाइस, और फिर इसमें लगा करके स्टार्ट करते हैं। गाइस फाइनली ओरियन जा रही है GT स्टार्ट, बस फटे फूटे ना भैया है ना, कुछ हो गई ना, मैं बोल रहा हूँ ना होगी ये। हाँ हाँ रुक जा अभी, रुक जा, चलो ले ले ले। हाँ हाँ कर
हेमलो जी ऐसा कैसे हो सकता है गाइस हम लोग कोई काम करे उसमें फटा ना हो। एक्चुअली जीटी पूरी सेक्सी मॉडिफाई हो गई थी बट इसके ना जो हेडलैम्प्स है ना उनमें कुछ दिक्कत आ गया था तो ये वाला तो जल गया गाइस। अब हम लोग ये वाला करवा रहे हैं। एक्चुअली सीन है गाइस इसकी वायरिंग का थोड़ा सा इशू है। आई रियली डोंट नो क्या मेरी प्रणब भैया से बात हुई है। प्रणब भैया ने भी दिल्ली गए कुछ काम से, वो काम भी आपको आने वाले टाइम में बताएंगे। बट ये तो जल गया गाइस, अब हम लोग उसको जलवा रहे हैं। जितनी जल्दी है काम यहाँ से खत्म होगा ना उसके बाद हम लोग रोहिला भैया की शॉप पर जाएंगे, फिर वहाँ पर प्रिंटिंग का काम है। बट जीटी आज ना फाइनली मॉडिफाई हो जाएगी गाइस। बट एक दिक्कत और है गाइस, रात को ना फिर ठंड में और ओस में ना इसकी टेप नीचे पकती। इस बार हम लोगों ने वैसी जो टेप करवाई है ना वो बहुत अल्टीमेट और बहुत महंगी रैप करवाई है। बस ये वाला हेडलैम्प जल जाएगा इस उसके बाद बल्ले। तो यार सो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जीटी की ना दोनों लाइट फाइनली जल चुके हैं। बट हमें ना एक बहुत क्रेजी चीज पता लगी जीटी के बारे में। जीटी के नीचे ना एक फुल लाइट भी है गाइस जो पूरा सराउंड कर रही है एंड उस पर अलग अलग पैटर्न्स हैं गाइस। तो भैया ना बस अभी वो लाइट फाइनल कर रहे हैं एंड उसके बाद ना इसके नीचे ना आपको अलग अलग कलर की लाइट देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारी चीजें इसमें ना हिडन थी जो हमें पता ही नहीं थी जब हमने खरीदी थी, बट अब ये खतरनाक लगने वाली है। भैया बस कनेक्शन दे रहे हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी। भाई कांग्रेचुलेशंस ब्रो सेना में आने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, आप आए थे भुवनेश्वर आए थे, मैं आपको देख मतलब आपके सामने ही था पूरा। भाई मैं आ रहा हूँ भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर आ रहा हूँ 27 को। कौन सा जगह पे आ रहे हैं आप? भाई मैं ना लोकेशन ना हर से कंफर्मेशन करा लेना, अभी मतलब ऐसे बता नहीं सकता। तो भाई पर्सनली आप आके होटल में मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ब्रो सेना के पर्क्स। अच्छा आप थोड़ा मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करा सकते हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ अभी ना क्या सीन है, अभी हम लोग ना ऑर्डर प्रोसेस आउट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, क्योंकि अभी क्या सीन है अभी ना ऑर्डर का लोड इतना ज्यादा है भाई। आपको शायद दिख रहा होगा कि 1000 ऑर्डर है बट हमारे लिए ना हम लोग खुद ही मैनेज कर रहे हैं अपनी टीम से ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं लाइक सब फिर हम लोग आराम से कनेक्टेड रहेंगे सब चीज़ों को लेकर के, बट हमें ना हाँ भाई तुम टीम में पर्सनली भाई तभी तो बात हो रही है। भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मैं उन लोगों से बात कर पा रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भाई आपको पता नहीं होगा भैया मैं कल से बहुत मतलब पैसा तो अरेंज नहीं हो रहा था पर मम्मी पापा से अरेंज बहुत तकलीफ से किया, उसके बाद आज फिर हो गया, फिर दोस्त के फ्रेंड से फोन पे करके उसके आपको भाई वेबसाइट नहीं चल रही है ना, वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है ना, कल जब कंफर्मेशन हुआ तो वेबसाइट नहीं चला। चलो कांग्रेचुलेशंस भाई जी, थैंक यू सो मच। हर्ष को भी थैंक यू बोल रहे हैं, हर्ष तेरे को भी थैंक यू बोल रहे हैं। ओके भाई वेलकम। गाइस ये चेक करें आप, ये चेक करें गाइस, ये चेक करें, ये पूरी कार में भैया गाइस ये चेक करो जीटी की नई मॉडिफिकेशन, क्या मस्त लग रही है भाई। आगे से चेक करो भाई, आगे से चेक करो गाइस। फाइनली भैया और लाइट का काम कर रहे हैं और डबल साइड टेप हम लोगों ने लगा दिया इस पे नीचे लगा करके। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मॉडिफिकेशन है ना अब तक की सबसे खतरनाक मॉडिफिकेशन होने वाली जीटी में। रात के सिनेमैटिक शॉट, रोहिला भैया ने ना इस बारी भाई काम बहुत स्लो करा है, सच्ची बता रहा हूँ। रोहिला भैया ने काम ही नहीं करा इस बारी हमारी जीटी का। कब कितने दिन हो गए मेरे को गए, 12-13 दिन में बस ये ऊपर की परत चिपकाई है रोहिला भैया ने पिछले दिन आते थे और इस पे कुछ एक दिन आते थे, दो दिन शादियों में, फिर एक दिन आते थे, फिर आपने मुझे कल शादी में जाना है। बट ये चेक करो यार क्या मस्त लग रही है, जल्दी आगे की भी सारी जल्दी भैया देखो ये वाली भी जल्दी, ये चेक करो लेकिन तस्वीरों में मस्त एकदम। कब आ रही हो फिर इंडिया, कब चले इस पे घूमने? मसाला बट एक ना एक दिन तुम घूमेंगे इस पे, ये याद रखना। कब आएगा वो दिन? ये देखो अब देखो कैसी लग रही है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है बहुत, है ना बहुत सेक्सी लग रही है। इस साइड से देखो, इस साइड से तो और भयंकर लग रही है। माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नजर ना लगे ना, माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह बोल के नजर नहीं लगती है, मेरे को भी बोल दो फिर। माशाल्लाह ये चेक करो आप, एक रहा दिखाना मेरे से भाई साहब, सेम कितने सही लग रहे हैं टैटू, कितने सही लग रहे हैं टैटू भाई, ये चेक करो भाई कितने सही लग रहे हैं, कितने सही लग रहे हैं टैटू। मेरे को बोल रही थी अच्छे नहीं लगेंगे, खुद भी कितने देख रही हो अपने हाथ। एक एक फोटो लेंगे ठीक है, तुम भी एक फोटो लेना, मैं भी एक फोटो लूंगा, फिर हम लोग एक वॉलपेपर बनाएंगे उसका। ये तो ब्राउन है यार, ये तुमने वहाँ क्यों नहीं करा जब मैं वहाँ पर था? आप मुझे छोड़ते ही नहीं है कहीं जाने के लिए, बाहर निकल जाओ, पीछे से इल्जाम लगा देते हो। रोसी ना 6 घंटे गायब थी ये लड़की। तो गाइस चेक दिस आउट, फाइनली हमारी जीटी हो चुकी है एकदम खतरनाक वाली मॉडिफाई। हम लोगों ने इस साइड से भी लाइट चेंज करवा दी है एंड उस साइड से भी लाइट, इस साइड से ना पूरी ब्लैक हो रखी है। बट एक बार सामने से देखो और क्या मस्त लग रही है,
कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन कराएं या फिर ये ऐसी सिंपल अच्छी लग रही है। एंड मेजॉरिटी कमेंट्स आएंगे गाइस, हम लोग उन्हीं का फॉलोअप करेंगे। बाकी गाइस हमारा प्लान तो ये था कि रोहिला भैया के पास जाएंगे इसे मॉडिफाई करवाने के लिए, बट रोहिला भैया ने धोखा दे दिया, सो गए भाई। सो हम लोग कल सुबह जाएंगे गाइस 6 बजे। कैसी लग रही है फ्लाइट? सेक्सी लग रही है? ये देखना भाई, हैं हम दुबई में? हां भाई, हम दुबई में भाई। सच्ची में हर्ष, ये तो भयंकर लग रही है, लेकिन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सामने से देखोगे ना आप ये बोलोगे भयंकर, कोई नीड फॉर स्पीड वाली कार। हाँ, बैट भाई खतरनाक लग रही है। सो गाइस हम लोग आए थे अंदर फाइनली, एंड भव्य लेकर के आ चुके खाना, और ये खाना और हर्ष का खाना अभी आ रहा है गाइस। बाकी जीटी का मॉडिफिकेशन का काम ना गाइस कल सुबह शुरू होगा। ये वाला व्लॉग ना यहीं पर एंड करते हैं गाइस, बिकॉज बहुत थक चुके हैं। दिस इज यू गाइस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।